और ना सहबो बदर के रहबो, ये आज बच्चे बच्चे की जुबान तक पहुंच चुकी है, बुजुर्गों की जुबान तक पहुंच चुकी है, माताओं की जुबान तक पहुंच चुकी है। परिवर्तन पक्का है। मैं आज बसना आया था, जिस प्रकार से किसानों की जुटान यहाँ हुई है, जिस प्रकार के मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, माँ रणेश्वर रामचंडी जी के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। यहाँ की जुझारू प्रत्याशी हमारे मित्र संपत अग्रवाल जी की विजय सुनिश्चित है। पार्टी पूरी ताकत से जनता को साथ लेते हुए लग चुकी है। पूरा छत्तीसगढ़ में मैं प्रवास किया हूँ, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सारे इलाका में इस बार मोदी जी की गारंटी की जादू चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का फिर अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का जो अभी आज ही बयान आया है कि ईडी के सहारे जो मुझे बदनाम किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बदनाम है ही, वो तो उन्हीं के दल के लोग कह रहे हैं ये सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। देखिए उनकी विज्ञापन का होर्डिंग देखिए, 2-3 दिन पहले सारे बदल दिया गया। उन्होंने भूपेश बघेल जी को भरोसा चढ़ के अपनी पार्टी पे भरोसा शुरू कर दिया है। तो जब उनकी पार्टी ही नहीं मान रहा है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, पार्टी ही उनको छोड़ दिया है, जनता तो छोड़ ही चुका है, क्या भूपेश बघेल जी की सरकार में ये भ्रष्टतम सरकार देश की नहीं है? छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को उन्होंने अपने जेब में नहीं डाला, विधायकों की जेब में नहीं डाला? क्या मोदी जी की जो 1,018,000 घर उन्होंने भेजा है छत्तीसगढ़ की गांव के लिए, गरीबों के लिए, उनको उन्होंने उससे वंचित नहीं किया? क्या उन्होंने जो 500 रुपया पिछले बार उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं को भत्ता दूंगा, वो दिया है? वादा खिलाफी का ये झूठे लोगों की सरकार है, इनकी जान तय है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।